अगर पता होता वायरल होगा तो शायद मैं अपनी मम्मा से बेटर साड़ी ज्यादा ब्रांड ज्यादा ये वायरल हो जाएगा पूरा ट्विटर फेसबुक हर जगह इंस्टा लोग इतना बात करेंगे अप्रिशिएट करेंगे मतलब हुआ तो कैसा महसूस किया अच्छा मेरा पहला रिएक्शन था पहले तो मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये वायरल हो रहा है पर पहले मैं इस बात की खुशी थी कि मतलब मेरा प्रैक्टिस वीडियो वायरल क्यों हो रहा है मेरा अच्छा स्टफ तो कहीं और है पर बाद में मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि एक ऐसा मतलब जस्ट मजेदार वीडियो जो बहुत फनी नहीं है या बहुत सेक्सी नहीं है बस ऐसे बस खुशी दिलाने वाला वीडियो वायरल हुआ तो इसे बस ये दिखाई देता है कि मतलब लोगों को खुशी चाहिए लोगों को वो ऑथेंटिसिटी या वो यू नो ऑनेस्टी चाहिए परफॉर्मेंसेस में या वीडियोस में जैसे उनको भी महसूस हो कि इससे मेरे डीएम्स भी उसी के अराउंड है कि मेरे को देख कितनी खुशी मिली साड़ी और हुला हूप जो आपने किया है उसका आइडिया कहाँ से आया देखो मतलब साड़ी पहनना मेरे को बहुत पसंद है तो वो अलग अलग ही बात है लेकिन आई थिंक लॉकडाउन में क्योंकि मैं बस अपने पजामों में रहती थी जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स पहले इतने हूपर्स नहीं थे इंडिया में और मुझे लगा कि अगर हम साड़ी पहनेंगे तो ये हमारा एक तरीका होगा कि जो हूपिंग है जो इंडियन आर्ट फॉर्म नहीं है उसमें हम अपना देसी टच ला सकते हैं किसी एंगल से और ये हम अपना बना सकते हैं आपने कहाँ से जाना हुला हूप के बारे में कहाँ देखा जैसे नॉर्मली मैंने सर्कस में देखा है और आप कहाँ से इंस्पायर हुई कि आपको ये सीखना है मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक बार बहुत पहले और वो पहली बार मैंने देखा था कि कोई अपने कमर में नहीं घुमा रहा लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स कर रहा है साथ में तो तब तो मेरे को ऑब्वियसली मालूम नहीं था कि इसे ट्रिक्स भी कहते हैं तो मैं यूट्यूब पे सीखने लगी आई एम सेल्फ टॉट एंड काफी टाइम लगा लेकिन बहुत मतलब मैं सर्च करती थी ट्यूटोरियल्स वगैरह वगैरह पर अगर अब आप सोचती हैं तो आपके उस वीडियो से क्या मैसेज जाता है लोगों में जी हाँ ये बिल्कुल प्रैक्टिस था आपने अगर पूरा वीडियो भी देखा होगा एंड में नवराई माँ जी चलने लग गया था दूसरा गाना चलने लगा था तो वैसे मेरा प्रैक्टिस शायद था मतलब आधे घंटे का और मैंने बस गेंदा फूल का स्निपेट निकाल के डाल दिया आई थिंक वो मैसेज बस इसके अराउंड है कि टू जस्ट बी कम्फर्टेबल इन योर बॉडी एंड मतलब जैसे भी हो वैसे खुश रहो और अपने लिए टाइम निकालो क्योंकि ऐसा पीरियड भी हमारा ऐसे 2020 चल रहा है जहाँ पे न्यूज देखो तो मतलब अच्छी खबरें तो देखते नहीं है हम अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको क्या लगता है साड़ी की वजह से ज्यादा आपका वीडियो पसंद किया गया या फिर गाने की वजह से मेरे ख्याल से दोनों के वजह से क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन था मेरे शायद वो कॉम्बिनेशन विनर था मतलब जो भी मुझे डीएम्स और मैसेजेस भी मिले थे उसमें सब कुछ इसी के अराउंड था कि गाना भी इतना अच्छा है साड़ी भी पहनना है स्नीकर भी पहनना है हुक भी कर रहे हो तो किसी ने ऐसे इसको आइसोलेट मतलब बहुत लोगों का फेवरेट गाना भी था बहुत लोगों को साड़ी पहनना भी बहुत पसंद है तो मैं खुद नहीं जानती कौन सा जीता आमतौर से हम लोग मानते हैं कि साड़ी पहनना या साड़ी पहनने वाली जो लेडीज है वो बहुत नाजुक होती है नाजुक इन द सेंस वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो मतलब वो बाकी कपड़ों में कर सके मतलब कपड़ों से जोड़ना या उनकी नाजुकी को देखना उसको आप कैसे देखती हैं साड़ी में जैसे आपने बताया कि आप साड़ी बहुत पसंद करती हैं पर्सनली तो मुझे लगता है कि साड़ी में तो कुछ नाजुक
होने वाली बात तो है नहीं. साड़ी इटसेल्फ मतलब इतना वो है, इतना सारा कपड़ा लेके हम पहन रहे हैं, अगर हम चल भी पाते हैं वो कोई नाजुक बात नहीं है. टेंडरी भी मतलब औरतें महिलाएं सब साड़ी में काम करते हैं, वो अगर मतलब स्कूल जाते थे साड़ी में, सारा दिन का काम कर सकते साड़ी में या सारा काम करते हैं. तो फिर हम जो मिलेनियल्स है जो मतलब ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, हम मतलब डेनिम जीन्स भी वैसे रहते हैं. तो आई थिंक इट्स जस्ट हमें आदत नहीं है पहनने की, तो हमें बस लगता है कि साड़ी में हम बस ऐसे पल लपेट के ऐसे चल सकते हैं और इसमें हिल डुल नहीं सकते. तो जब भी मैं भी शादियों में जाती हूँ, ये मेरे को कम्फर्ट सबसे पहले सोचता है. तो जो स्नीकर्स मैं पहनती हूँ वो तो मैं हर बार साड़ी के साथ पहनती हूँ. एंड जेन्युइनली मेरे को लगता है कि साड़ी में कुछ भी कर सकते हैं. आई थिंक साड़ी इन जनरल इज अ वेरी एम्पावरिंग अटायर एंड देन इट्स लाइक.